हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 18। अभी तक हम लोग 17 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आजकल जो लेक्चर है काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन और इससे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर करेंगे। जैसे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बहुत सारे कमीशन का गठन किया गया था, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में सारे कमीशन के बारे में बताऊंगा और साथ में पीटी और मेंस दोनों का अप्रोच बनाऊंगा। ओके, तो आप लोग पीटी का अगर अप्रोच बनाना चाहते हैं, जो पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो वो बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन मेंस का अप्रोच आपके लिए वीडियो बहुत अच्छे से आपको देखना है। तो मैं आपका मेंस का भी अप्रोच यहाँ पर बनाऊंगा। साथ में आप लोग देखेंगे भारत का जो वर्तमान में आपको राजनीतिक मैप, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप आप लोग बोलते होंगे, जिस तरह का आपको दिखाई देता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ये वैसा नहीं था, काफी डिफरेंट था। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे और साथ में बहुत बहुत बड़े आपको यहाँ पर स्टेट देखने को मिलेंगे। देखिए, इधर जैसे आसाम है इतना बड़ा है, आज ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया। इसी तरह आप लोग यहाँ पर पंजाब देख सकते हैं, इधर गुजरात है ही नहीं। इधर बॉम्बे देखिए काफी बड़ा है और नीचे देखिए ये कोई भी स्टेट आज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंजेस हो गया है। आप जो वर्तमान का मैप देखेंगे वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो देखिए, ये चेंजेस थे एक तरह से डिजास्टर चेंज है। ओके, इस मैप को और इस मैप को आप लोग देखिए तो एकदम डिजास्टर चेंज लग रहा है ना, लेकिन ये चेंज था ये एक दिन में और एक साल की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये सतत रूप से कई दशकों की प्रक्रिया थी, तब ये मैप जाकर के इसमें कन्वर्ट हुआ। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से चेंजेस हुए हल्के हल्के, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बात करेंगे, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और मैं आपको एक स्टोरी को फॉर्म में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके, चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग देख रहे हैं एम लक्ष्मीकांत, जो 6 एडिशन है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 5 को स्टार्ट किया था, आज हम लोग लेसन नंबर 5 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित बहुत सारे कमीशन का गठन किया गया था, हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, मतलब बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर हमें राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी और पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाता हूँ। ओके, तो आप लोग देखेंगे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कुछ इस तरह का आपको मैप देखने को मिलेगा। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आप लोग याद करिए, तो हमारा देश आजाद हुआ तो उसके दो पार्टीशन हुए थे, एक पाकिस्तान के रूप में, एक इंडिया के रूप में। जो शेष भारत था वो इंडिया के रूप में जाना गया और पाकिस्तान दो भागों में आपको देखने को मिलेगा, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में देखने को मिलेगा। और भारत की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो भारत में आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंडर में आता था, जिसको ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं वो था। साथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी देशी रियासतें थी, 552 आपको देसी रियासतें देखने को मिलेंगी। ओके, अब देखिए, ये देसी रियासतें थी, इन्हें भारत के संघ में शामिल करना था। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। ओके, अब इन्हें शामिल करना था तो उस समय की देखिए बहुत बहुत सारी चैलेंजेस थे, हमारा देश आजाद हुआ था, उधर संविधान भी बन रहा था, बहुत सारे काम चल रहे थे एक साथ में। ओके, और हमारे पास इतनी जो संस्थागत जो आधारभूत संरचनाएं थी वो भी नहीं थी, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे हमारे साथ में। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो भी ये 552 रियासतें थी, इनको जैसे भी हुआ पहले इनको मिला लिया गया, भारत के संघ में शामिल कर लिया गया। और वास्तविक रूप से जो मैप हमें मिला था वो एक अस्थायी व्यवस्था थी, इसे परिवर्तित करना था। किस लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए, क्योंकि इन्हें उस टाइम मिलाया गया तो इससे ये देख करके नहीं मिलाया गया कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जिसमें उन्हें ठीक लगा उस समय मिला दिया गया। ओके, और इसकी एक बाउंड्री बना दी गई, तो इसका पुनर्गठन करना था। लेकिन पुनर्गठन कैसे हो, तो सबसे पहले पुनर्गठन से संबंधित, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मांग उठने लगी दक्षिण भारत से। कहां से? दक्षिण भारत से मांग उठना प्रारंभ हुई भाषा के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण के जो लोग थे वो कहने लगे कि राज्यों का पुनर्भाषा के आधार पर होना चाहिए, मतलब जहां पर एक भाषा बोली जाती है, एक तरह की भाषा बोली जाती है, उसे एक स्टेट बना देना चाहिए। अब देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इसमें बुराई क्या थी कि हम भाषा के आधार पर जब मांग उठी तो क्यों नहीं हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने लगे। और सही बात भी है कि एक तरह की भाषा बोलने वाले हैं तो एक स्टेट बना दिया गया। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जिस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा था, तो आपको समझना पड़ेगा।
तो देखिए जब बात आई भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, तो गवर्नमेंट ने इससे संबंधित एक कमीशन बनाया, मतलब आयोग बनाया। तो वो कौन सा कमीशन है आपको जानना है, और बहुत अच्छे से मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझाता हूँ। तो फर्स्ट कमीशन आप लोग देखेंगे भाषाई आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पूछा जाता है प्रथम भाषाई आयोग कौन है, तो धर आयोग है। ओके, तो 1948 जून में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे धर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका काम था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस पर इन्हें रिपोर्ट देनी थी। और इसका नाम धर आयोग क्यों है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो एस के धर थे, इसीलिए इसका नाम धर आयोग पड़ गया। तो इस तरह से पूछा जाता है प्रथम भाषाई आयोग कौन है, तो आपको ध्यान रखना है एस के धर है। अब जो रिपोर्ट इन्होंने दी थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, देखिए इसका गठन कब हुआ, आप लोग ये भी टाइमलाइन देखते रहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जून में इसका इस आयोग का गठन किया गया, इस कमीशन का गठन किया गया। अब इन्होंने अगले आपको देखने को मिलेगा कुछ महीनों के बाद दिसंबर 1948 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। आप देखिए दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको नहीं भूलना है इसको बिल्कुल भी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार कर दिया। ओके, इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने दूसरी बात कही कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए तो किस आधार पर होना चाहिए, तो इन्होंने कहा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। अब देखिए पीटी का तो यहाँ से आपका अप्रोच बन गया, लेकिन मेंस का अप्रोच बनाने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि इन्होंने किस आधार पर कहा कि भाषा के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना है। ओके, तो कुछ ना कुछ तो तर्क दिया होगा, वो तर्क आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर पाएंगे। अब देखिए इसको एक मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। भारत आप लोगों ने देखा है बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, आप लोग देखेंगे प्राकृतिक विविधता भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, कहीं पर आपको पर्वत पठार मैदान झीलें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उच्चावत विविधता भी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और उस समय देखिए हमारा देश जब आजाद हुआ था तब हमारे पास संसाधनों की भी कमी थी बहुत ज्यादा। ओके, और इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी नहीं था, संचार भी नहीं था, देखिए बहुत सारे उस समय चैलेंजेस थे। आज भी हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे परिवहन इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। ओके, तो देखिए अब एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। तो देखिए मानते हैं बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, आप लोग देखेंगे दक्षिण भारत में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, बीच में आपको इस तरह से पठार देखने को मिलेंगे, तो प्राकृतिक बाधाएं हो सकती है ना। अब देखिए बीच में एक प्राकृतिक बाधा है, अब यहाँ पर मानते हैं एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर एक्स भाषा बोली जाती है, और इसी के पास में एक छोटा सा एरिया और है जहाँ पर यहाँ पर बाई भाषा बोली जाती है। ओके, और इधर भी एक आप एरिया ले लीजिए। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है यहाँ पर सेम एक्स भाषा यहाँ भी बोली जाती है। ओके, और यहाँ पर एक और एरिया है यहाँ पर बाई भाषा बोली जाती है। ओके, अब ये चार क्षेत्र है छोटे छोटे, और बीच में क्या है एक अवरोध है, एक क्या है बीच में अवरोध है। अब ध्यान से स्टोरी सुनिए, अब देखिए अगर हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना होता तब हम क्या करते, इस एक्स और एक्स को मिलाकर के एक राज्य का गठन करते हैं, और बाई को मिलाकर के हमें एक राज्य का गठन करना होता। अब देखिए इससे क्या होता, अगर हम ऐसा करते तो यहाँ पर प्रशासनिक जो व्यय था वो बढ़ जाता ना, अब लोगों को भी समस्या होती। अब देखिए एक राज्य इसको बना दिया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं, एक राज्य बनाया जाएगा तो उसकी सिर्फ आप देखेंगे एक हाई कोर्ट होगा, उसकी अपनी जो एक विधायिका होगी तो एक जगह होगी, दोनों जगह नहीं हो सकती ना। आप देखेंगे यहाँ के लोगों को भी दिक्कत आएगी, यहाँ पर प्रशासन चलाने में भी दिक्कत आएगी, तो प्रशासनिक व्यय बढ़ जाएगा ना। तो इसी आधार पर कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। और दूसरा तर्क था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको समझना जरूरी है। देखिए अगर हम इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना करके हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए, अब देखिए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करेंगे तो क्या होगा, हम इन दोनों को मिलाकर के एक राज्य का गठन कर देंगे, इन दोनों को मिलाकर के एक राज्य का गठन कर देंगे, अगर हम भाषा के आधार पर ना करें बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करें। तो आप भी समझ सकते हैं ना एक कौन सा बेटर ऑप्शन है, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए ये ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक व्यय भी कम हो जाएगा और साथ में आप देखेंगे कि इससे दक्षता भी बढ़ जाएगी, सभी की दक्षता बढ़ जाएगी, लोगों की भी प्रशासन की भी, और आप देखेंगे बहुत अच्छे से प्रशासन चल सकेगा। अब देखिए इसके दो कारण और थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो, इसके दो कारण थे। नंबर एक इन्होंने कारण बताया कि इससे प्रशासनिक व्यय है वो बढ़ जाएगा,
और दूसरा इन्होंने तर्क दिया, अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें तो आप देखेंगे इससे क्षेत्रीयता बढ़ेगी। क्षेत्रीयता मतलब कट्टरवाद एक तरह से बढ़ेगा, जहां भी क्षेत्रीयता बढ़ती है बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है वहां पर आप लोग देखेंगे राष्ट्रीयता हमेशा कमजोर होगी। अब आप देखिए उस समय का समय देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमें जरूरत थी ना कि हमारे लोगों में एक राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। अब ये सोचिए यहाँ पर एक्स सिर्फ भाषा बोलने वाले लोग हैं तो यहाँ पर इन्हीं को प्रमोट किया जाएगा ना, तो ये लोग अपने क्षेत्र को लेकर के ज्यादा कट्टर हो जाएंगे। जब ज्यादा कट्टर हो जाएंगे तो इन्हें देश से इतना लगाव नहीं रहेगा बल्कि किससे लगाव हो जाएगा, एक अपने क्षेत्र से लगाव हो जाएगा। ओके, तो ये हो सकता है भविष्य में एक अलग क्षेत्र की मांग करने लगे, ये अपने आप को सेपरेट मानने लगे। तो इसलिए कहा गया देखिए सब होंगे तो सब मिलजुल के रहेंगे, सभी का विकास होगा। ओके, तो विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसको नहीं कहा गया, मतलब इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो। किस लिए? दो आधारों पर। देखिए क्यों? क्योंकि इससे भाषाओं के आधार पर अगर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे तो प्रशासनिक व्यय बढ़ जाएगा, और दूसरा इससे क्षेत्रीयता बढ़ेगी। लेकिन हमें जरूरत किसकी थी उस समय? राष्ट्रीयता की जरूरत थी। ओके, राष्ट्रीय भावना लोगों के अंदर हो, राष्ट्र के प्रति ज्यादा प्रेम हो, ओके, ना कि क्षेत्र के प्रति ज्यादा प्रेम हो। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर हम चार राज्य, जैसे चार जगह हैं, इन चार जगह पर हम चार राज्य क्यों नहीं बना देते? तो देखिए चार राज्य बनाना कोई आसान बात नहीं है। आप देखेंगे एक राज्य, सिर्फ राज्य का हम गठन नहीं करते बल्कि एक राज्य का जब हम गठन करते हैं तो उसके लिए पूरा सिस्टम हमें डेवलप करना होता है। आप लोग देखेंगे उसकी एक अलग विधायिका होती है, उसके लिए अलग आपको प्रशासन होगा पूरा, उसके लिए अलग पूरी व्यवस्था करनी होती है, उसकी जो न्यायपालिका होती है वो एकदम अलग होती है। तो एक तरह से हमें बहुत सारे आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना होता है। जब हम आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करते हैं तो इससे समय और जो पैसे है दोनों की आवश्यकता होती है। अब हमारा देश उस समय आजाद हुआ था तो आप सोच सकते हैं ना कि हमारे यहाँ आप लोग देखेंगे कितना ज्यादा पैसे का व्यय होता उस समय। छोटे छोटे आप लोग जानते हैं लगभग में 2500 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, और 2500 से अधिक अगर भाषाएं बोली जाती हैं तो आप सोचिए आज 28-29 राज्य आपको देखने को मिलते हैं, 2500-3000 राज्य होते हैं तो कैसे प्रशासन चलता? ओके, सबका अपना अपना सिस्टम होता तो इतना हौज पौज हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था ना। तो इसीलिए कहा गया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए कि हर जगह छोटे छोटे राज्य बन जाएंगे और इससे प्रशासन होगा ना वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कुछ भी ठीक से नहीं चल पाएगा। ओके, तो इसीलिए इन्होंने मना किया। तो आप लोग समझ गए ना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन क्यों ना हो, इसके लिए उन्होंने क्यों ठुकरा दिया। तो आप लोगों के लिए ये अप्रोच ध्यान रखना है, तभी आप लोग मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसके दो कारण थे, एक प्रशासनिक व्यय बढ़ जाएगा, दूसरा क्षेत्रीयता की भावना थी वो भी। और अगर हम भाषा के आधार पर गठन करते तो हमारे भारत में लगभग में 2500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या हम 2500 राज्य का गठन करते? तो ये भी पॉसिबल नहीं था ना। तो आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, जैसे ही देखिए धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? दिसंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब जैसे ही इन्होंने रिपोर्ट दी ना, फिर से दक्षिण भारत में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। ओके, विरोध होने लगा, बहुत सारी जगह दंगे होने लगे। तब फिर से गवर्नमेंट को भाषा के आधार पर इसी जो इन्होंने जो निर्णय दिया था इसका फिर से रिव्यू करना था कि क्या वास्तव में हमें भाषा के आधार पर फिर से हमें आवश्यकता है कि राज्यों का पुनर्गठन करने की। तो उसका रिव्यू करना था, जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी तो इसका रिव्यू करना था एक तरह से। तो आप यहाँ पर देखेंगे दूसरी बार भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक और आयोग का गठन किया गया, जिसे आप लोग देखेंगे 1948 दिसंबर में। देखिए इन्होंने दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट दी, और देखिए नेक्स्ट कमीशन भी दिसंबर 1948 में ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर कितना उस समय दबाव होगा, कितनी तीव्र गति से लोग विरोध कर रहे होंगे, आंदोलन कर रहे होंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक रिपोर्ट आई और फिर से तुरंत ही उसका दूसरा एक आयोग का गठन हो गया। अब यहाँ पर कौन कौन था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसको बोलते हैं जेबीपी, इसको जेबीपी समिति या फिर इसको आयोग के नाम से भी जानते हैं। जेबीपी समिति के नाम से इसे क्यों जानते हैं? क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलेंगे, और पटाम्बी सीतारमैया भी आपको देखने को मिलेंगे। ये तीन व्यक्ति थे, आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा उस समय के प्रखर नेता थे। इन तीनों ने मिलकर के विचार किया कि राज्यों हमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो अप्रैल 1948 नहीं होगा, ये 1949 होगा। ओके, तो 48 नहीं 49 होगा, आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए। तो अप्रैल 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी ना,
तब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इन्होंने औपचारिक रूप से आज स्वीकार कर दिया कि भाषाओं के आधार पर, मतलब भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। औपचारिक तौर पर किसने अस्वीकार कर दिया भाई, इन्होंने, कौन, किसने, जेबीपी समिति ने। ओके, तो दूसरी समिति ने औपचारिक रूप से कहा, इन्होंने औपचारिक रूप से नहीं, बस इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन इन्होंने औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। और क्यों ऐसा है, मैंने आपको एक स्टोरी अभी सुनाई थी, तो वो आप लोग ध्यान रखिए, इसी इन्हीं आधार पर इन्होंने अपना रिव्यू दिया था, वो इसी आधार पर दिया था, इसीलिए इन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्षेत्रीयता बढ़ेगी, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता कमजोर होगी। ओके, तो इसीलिए उस समय ऐसा माना गया। लेकिन बीच में एक इंसिडेंट हो गया, ये इंसिडेंट आपको ध्यान रखना है, इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर एक पोटी श्री रामालू है, इनका निधन हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हो गई ये आपको ध्यान रखना है। मृत्यु होने, देखिए लोग होते हैं वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी मृत्यु का कारण दूसरा था, इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 56 दिनों का उपवास रखा था, मतलब अनशन पे चले गए थे। इन्होंने कहा था कि हमें भाषा के आधार पर राज्य का, हमें राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। मद्रास से जब इनकी मृत्यु होगी ना 56 दिनों के उपवास के बाद, तभी मद्रास से, आप लोग देखेंगे मद्रास से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था जहां पर तेलुगु बोली जाती थी, वहां पर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ओके, आंध्र प्रदेश आप लोगों को देखने का मिलेगा जो मद्रास राज्य से निकला। कब निकला, जब यहाँ पर जो पोटी सीमा जो श्री रामालू है ना, इनका निधन हो गया था, और ये कौन थे, एक कांग्रेसी नेता थे। ओके, तो इनका निधन हो गया था तो काफी बड़ी बात थी। तो यहाँ पर जब इनका निधन हो गया तो लोग काफी उग्र हो गए थे, तो उन्हें शांत करने के लिए ऐसा किया गया। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। इन्होंने एक राज्य का भाषा के आधार पर गठन कर दिया, एक राज्य का भाषा के आधार पर गठन कर दिया, भले ही दबाव में आकर कर दिया, लेकिन अब और राज्य थे वो भी बहुत ज्यादा दबाव देने लगे गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे यहाँ भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि 1953 में आप लोग देखेंगे अफजल अली आयोग का गठन हुआ। ओके, अफजल अली, इसको फजल अली भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके, तो यहाँ पर दो तरह से नाम दिए जाते हैं, तो फजल अली भी इसको बोला जाता है। इस आयोग का गठन हुआ, इनका भी काम क्या था, इनका भी काम था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका रिव्यू करना और एक विस्तृत रिपोर्ट देना। और देखिए इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी ना, वो लगभग में 3 साल के बाद दी थी, काफी इन्होंने इस पर टाइम दिया, वो बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट दी थी। और इसमें देखिए 3 लोग और थे, मतलब 3 लोग टोटल थे, एक तो ये हो गए, और साथ में आपको ए के परिकर और ए पे कुजरू आपको साथ में देखने को मिलेंगे। ओके, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी वो आपको देखने को मिलेगा लगभग में 3 साल के बाद दी थी, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, देखिए 2 जगह भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया, 2 जगह। ओके, 2 समितियों ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जो तीसरी समिति थी इन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ओके, इन्होंने कहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक बात और जोड़ दी जो काफी इंपॉर्टेंट थी। आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक राज्य और एक भाषा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। इन्होंने कहा कि एक राज्य एक एक भाषा और एक राज्य नहीं होना चाहिए, मतलब एक राज्य में सिर्फ एक भाषा को प्रमोट ना किया जाए, बल्कि ऐसा किया जाए, मतलब एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया जाए, लेकिन एक ही भाषा को सिर्फ वहां पर प्रमोट ना किया जाए। इससे क्या होगा, देखिए एक भाषा ही अगर प्रमोट की जाएगी, एक भाषा को सिर्फ संरक्षण वहां पर दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि वहां पर फिर से क्षेत्रीयता बढ़ने लगी। लेकिन भाषा के आधार पर अगर हम किसी राज्य का पुनर्गठन कर रहे हैं, एक जैसी भाषा बोलने वाले हैं, तो आप लोग देखेंगे वहां का प्रशासन थोड़ा अच्छे से चल सकेगा ना, वहां पर सेम भाषा के लोग होंगे, तो उसी भाषा में अगर हम लोकल भाषा में किसी भी न्यूज को उन लोगों को देते हैं, प्रशासन उस भाषा में चलाते हैं, तो लोग अपनी ज्यादा भागीदारी दिखाएंगे ना। तो इस वजह से कहा गया था कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था, तो आप लोग समझिए ना। और इन्होंने साथ में कहा था कि इस आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होना चाहिए। तो राज्यों का पुनर्गठन इन्होंने कहा कि फिर से भारत के राज्य हैं उनका फिर से सीमांकन करना चाहिए, और फिर से 16 राज्य बनाने चाहिए, और साथ में
तीन केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। ओके, तो इस आधार पर फिर आप गवर्नमेंट के सामने ये रिपोर्ट पेश की गई। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे 1956 में, इसी आधार पर आप लोग देखेंगे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसमें आप लोग देखेंगे कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। अब आप देख सकते हैं इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। गवर्नमेंट ने इसको आपको लगभग में हूबहू थोड़े से परिवर्तन के साथ में इसे अपना लिया। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, आप लोग देखेंगे 1956 राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये आपको देखना है। देखिए ये अधिनियम आया था, इसके द्वारा सातवें संविधान संशोधन 1956 किया गया। अब ये सातवां संविधान संशोधन क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तित किया गया। तो जो सातवां संविधान संशोधन था इसके द्वारा भाग का और भाग खा, मैंने आपको बताया था जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो हमने राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा था, भाग का, खा, गा और घा। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, लास्ट वाली वीडियो, ओके 17 वाली, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया कौन कौन से राज्य थे, वो भी मैंने आपको बताए थे। तो जो भाग नंबर का और खा थी ना, इसके बीच के अंतर को कम किया गया। ओके, और साथ में भाग नंबर गा था उसको समाप्त कर दिया गया, भाग नंबर गा को समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। और साथ में आप देखेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने और ये हैं फजल अली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर मैंने पिक दिखाना आपको भूल गया था। तो आप देखेंगे जब हमारा देश देखिए आजाद हुआ, आजाद होने के बाद आपको कुछ राज्य देखने को मिलेंगे जिन्हें हमने 4 श्रेणी में बांटा था। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे कि 1956 में एक एक्ट पारित किया गया जिसके द्वारा हमने राज्यों का पुनर्गठन किया। जब राज्यों का पुनर्गठन किया तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 14 राज्य और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये मैप है, इस तरह का आपको मैप देखने को मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए इसमें हल्के हल्के चेंजेस होना स्टार्ट हुए, आप देखेंगे 1956 के बाद 2021 तक आप लोग देखेंगे कि ये 14 राज्य थे ना, इनसे बढ़ के 28 राज्य हो गए। ओके, अभी 29 राज्य हो गए थे लेकिन आप देखेंगे अब फिर से 28 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वो एक राज्य बन जाएगा। तो आप देखेंगे फिर से आपको देखने को मिलेगा 29 या 30 राज्य हो जाएंगे, हो सकता है लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है उसको अलग अलग एक राज्य बना दिया जाए। ओके, तो आप देखेंगे फिर से 29 या 30 राज्य कुछ साल में अभी हो जाएंगे, एक दो सालों में फिर से हो जाएंगे। और साथ में आप लोग देखेंगे कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर थे अब 8 हो गए। आखिर ये कैसे बढ़े, इनका क्रम क्या था और ये प्रोसेस कैसे चला, ओके, और ये कई दशकों की प्रक्रिया थी, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो 1956 में ये आपको मैप देखने को मिलेगा, आप इसी में हम लोग देखेंगे कैसे हल्के हल्के और ज्यादा विभाजन हुआ। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैप लगाया, तो आप देख सकते हैं 1961 में इस तरह से परिवर्तन हुआ। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये चेंज हो रहा है। ओके, तो ये अपने आप इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप लोग आ जाइए, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा। काफी अच्छा है, ये अपने आप परिवर्तित होता रहता है और बताता है कि कहाँ पर क्या परिवर्तित हुआ है। देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैप यहाँ पर अपने आप चेंज हो रहा है। तो 1956 से लेकर के आपको देखने को मिलेगा वर्तमान तक ये देखने को मिले। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या चेंजेस हुआ। तो 1956 के बाद आपको देखने को मिलेगा 1960 में आपको देखने को मिलेगा जो मुंबई था, ओके, उसका विभाजन हुआ, मुंबई को दो भागों में बांटा गया। भाषा के आधार पर आपको देखने को मिलेगा द्विभाषाई राज्य था तो इसे दो भागों में बांटा गया, एक था महाराष्ट्र और दूसरा जहां पर गुजराती बोली जाती थी वहां पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात एक नए स्टेट का जन्म हुआ। ओके, तो जो भी मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखूंगा तो आप लोग समझ लीजिए वो नया राज्य है। ओके, तो आप देखेंगे अभी कितने थे, 14 थे हमारे पास, 14 कब थे, 1956 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसमें कितने थे, अभी 16 स्टेट थे हमारे पास, लेकिन अब एक हमारे पास और आ गया तो 15वां राज्य कौन सा बना, गुजरात। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1960 में इसका विभाजन किया गया और महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो गुजरात था वो एक न्यू स्टेट था जो भारतीय संघ का 15वां राज्य बना। और साथ में आप लोग देखेंगे अब दादर एवं नागर हवेली, तो 1954 में आप लोग देखेंगे दादर एवं नागर हवेली है,
इसे स्वतंत्र हो गई थी, ये पुर्तगालियों के अंडर में आती थी, ओके। अब ये स्वतंत्र हो गई थी लेकिन तुरंत इसे भारतीय संघ में शामिल नहीं किया गया, बल्कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1954 में, 1954 से 61 के बीच में यहाँ पर स्वशासन चलता रहा। मतलब जब ये 1954 में जब दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली यहाँ पर आजाद हो गई थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर स्वशासन चलता रहा कुछ सालों तक, 5 सालों तक यहाँ पर स्वशासन चलता रहा। फिर बाद में 1961 में आप लोग देखेंगे 10वां संविधान संशोधन हुआ और इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ओके, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया। और अभी दादर एवं नागर हवेली है ना, इसमें चेंजेस भी हुआ है तो हम लोग अभी बात भी करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हुआ है तो कुछ महीने पहले ही हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, ओके। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज समझ में आएगी, करंट अफेयर में आपको टॉपिक मिलता है, टॉपिक क्या था, दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप था, इनको आपस में मिलाया गया, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आपको हिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, इसका पॉलिटी भी देखना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको टॉपिक कहाँ से मिलता है, करंट अफेयर से मिलता है, लेकिन आंसर कहाँ से मिलता है, आपको बुक से मिलता है, जो आपका सिलेबस है वहां से आपको आंसर मिलता है, ओके। तो टॉपिक कहाँ से खोज के रखने हैं, आपको जो भी आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं वहां पर आपको टॉपिक टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। फिर आप देखेंगे कि 1961 में आप देखेंगे कि गोवा, दमन और दीप है ना, इसको पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसको हथिया लिया गया, मतलब इसे अपने भारत के अंडर में ला दिया गया, ओके। और आप देखेंगे कि इसे 12वां संविधान संशोधन एक हुआ था जिसके द्वारा इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लेकिन आप देखेंगे जो गोवा था, इन तीनों को क्या बना दिया गया, स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, स्टार्टिंग में इनको तीनों को बनाया गया, कब, 1961 में, जब पुलिस कार्यवाही के द्वारा इन्हें भारत के अंडर में लाया गया, ओके। लेकिन आप गोवा को देखेंगे ना, गोवा को 1987 में पूर्ण स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ओके। तो गोवा आपको अब नहीं देखने को मिलेगा, गोवा पहले क्या थी, एक केंद्र शासित प्रदेश ही था, पहले ही स्टेट नहीं था। स्टेट कब बना, 1987 में जो गोवा था वो आपको स्टेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ही गोवा आपको देख सकते हैं, ओके। तो गोवा इस तरह से बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांडुचेरी के बारे में। देखिए पांडुचेरी से काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तो आप लोग देखिए 1954 में आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों के अंडर से ये आजाद हो गया, फ्रांसीसियों ने इसे भारत के हाथ दे दिया, मतलब हैंड ओवर कर दिया, ओके। तो आप देखेंगे 1954 से 62 के रूप में यहाँ पर अधिग्राही क्षेत्र के रूप में यहाँ पर शासन किया गया, आप देख सकते हैं कि 1954 से 62 के बीच में। फिर 1962 में 14वां संविधान संशोधन हुआ, 14वें संविधान संशोधन करके जो पांडुचेरी था इसको आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पांडुचेरी को ये पूछा जाता है, पांडुचेरी को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका शासन अधिग्राही क्षेत्र के रूप में किया जाता था, ओके। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, पांडुचेरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए केवल एक पांडुचेरी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये चार जगह देखने को मिलेगी, इससे सम्मिलित रूप से आपको पांडुचेरी बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आता था, एक पांडुचेरी आपको देखने को मिलेगा, एक यमन देखने को मिलेगा, देखिए यमन आपको ऊपर देखने को मिलेगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे इसके पांडुचेरी देखने को मिलेगा, ओके। इसको उस टाइम पुदुचेरी बोलते थे, तो आप लोग अगर पुदुचेरी भी आता है ना तो भी ठीक है। देखिए जो इंग्लिश में नाम लिखे होते हैं ना उनमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, हमेशा हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी थे इंडिया में और इंग्लिश भी थे और आप देखेंगे इटालियन भी थे, तो सभी लोग थे, तो ये अपनी अपनी भाषा में जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते थे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है, ओके। तो इसीलिए इसको कई नाम दिए जाते थे। और साथ में इधर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर इस तरफ आपको माहे देखने को मिलेगा और इधर आप देखेंगे आपको कराईकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कराईकल, पुडुचेरी और यमन और इधर आपको माहे, इन चारों को मिलाकर के पुडुचेरी को सम्मिलित रूप से बोला जाता था और इसे बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे नागालैंड आपको देखने को मिलेगा, 16वां नया स्टेट बना। देखिए अभी गुजरात था वो 15वां बना था, ओके। तो 14 कब थे, 14 आप लोगों ने देखा जब हमारा 1956 जो एक्ट आया था, 1956 एक्ट आया था जिसमें हमने राज्यों का पुनर्गठन किया, इस समय कितने थे, 14 थे, ओके। और 15वां कौन सा बना था, गुजरात बना था। अब देखिए 16वां कौन सा स्टेट है, 16वां नागालैंड है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड कब बना, 1963 में नागालैंड एक स्टेट बना। अब आप देखिए नागालैंड की जो स्थापना है वो क्यों हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नागालैंड से एक स्टोरी थी, यहाँ पर जो नागा लोग थे ना,
वो यहाँ पर बहुत ज्यादा आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे एक नागालैंड की। तो नागा जो नागा पहाड़ियाँ थी ना, नागा पहाड़ियाँ और प्लस आप लोग देखेंगे जो तुएन सांग है, इनको आपस में मिला करके, तुएन सांग क्या है, ये आपको असम, असम का क्षेत्र है, ओके, असम का क्षेत्र और नागा पहाड़िया, इन दोनों को मिला करके एक नए स्टेट का गठन किया गया जिसे नागालैंड के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों किया गया, जो यहाँ पर नागा आंदोलन चल रहा था, जो नागा एक नागालैंड की मांग कर रहे थे, इनको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर ऐसा किया गया, ओके। तो कब किया गया और कौन सा, सोलमा स्टेट है तो आपको ध्यान रखना, सोलमा कौन सा स्टेट है, नागालैंड, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1963 में इसका गठन किया गया। फिर आप देखेंगे पंजाब, देखिए पंजाब में यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस भी हुआ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1966 में आपको पंजाब देखने को मिलेगा, पंजाब 1966 में इसे दो भागों में बांटा गया, एक चंडीगढ़, ओके, दूसरा हरियाणा। तो चंडीगढ़ को तो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ओके, जो वर्तमान में भी आपको देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वहां पर शासन किया जाता है। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर हरियाणा एक नया राज्य बना, ये कौन सा राज्य था, 17वां राज्य था, ओके। तो आपने देखा कि जो 15वां था, जो 15वां था वो कौन सा था, गुजरात था, और 16वां कौन सा है, नागालैंड है, और 17वां कौन सा है, आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। अब हरियाणा का भी बाद में विभाजन किया गया, आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी, जहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी उससे पंजाब राज्य बना दिया गया, जहां पर हिंदी बोली जाती थी, हिंदी बहुल क्षेत्र था, उसे हरियाणा बना दिया गया। इसी तरह जो पहाड़ी क्षेत्र था उस पहाड़ी क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया इसको स्टेट नहीं बनाया गया, बल्कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो हिमाचल प्रदेश था स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1971 में इसे 18वां स्टेट बनाया गया। कब बनाया गया, 18वां स्टेट बनाया गया, कब बनाया गया, 1971 में बनाया गया, ओके। तो आप लोग ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना, भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन है आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश है, ओके। और देखिए ये पंजाब है, इस यहाँ पर आप देखिए पंजाबी भाषा जहाँ पर बोली जाती है वहां पर पंजाब का गठन किया गया था, पंजाब राज्य का गठन किया गया। ऐसा क्यों किया गया, तो यहाँ पर आप देखिए छोटी सी स्टोरी आप लोग देख लीजिए कि इसकी मांग अकाली दल है उनके जो नेता थे जिनको मास्टर तारा सिंह के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी मांग की थी पंजाब की, ओके। तो इसी के लिए एक सहा आयोग का 1961 में गठन किया गया और सहा आयोग ने जो अपनी सिफारिश दी थी इसी के आधार पर पंजाब स्टेट का गठन हुआ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहा आयोग किससे संबंधित है, ओके, किस स्टेट से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है सहा आयोग का गठन किया गया था वो पंजाब के गठन से संबंधित था, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। और इसका गठन क्यों किया गया था, तो अकाली दल आपको देखने को मिलेगा, तो उसके जो आपको देखने को मिलेगा मास्टर तारा सिंह है ना, उन्होंने मांग की थी तो उसी को रिव्यू करना था, मतलब ये मांग सही है कि नहीं, कि वास्तव में हमको एक पंजाब राज्य की आवश्यकता है कि नहीं, तो इसी का उन्हें रिव्यू करके एक रिपोर्ट देनी थी, इसीलिए सहायोग का गठन किया गया था 1961 में। तो आप लोग समझ गए ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। 1972 में नॉर्थ ईस्ट है जिसको पूर्वोत्तर राज्य के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, इसके मैप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मतलब आपको पहले मैंने आपको दिखाया था इधर पूरा क्या था, असम ही असम था और कुछ नहीं था, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया आप देखेंगे 1972 में, तो ये पूछा जाता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ये इतना ही ध्यान रखना है। देखिए 1972 में चेंजेस आया, तो कई बार डायरेक्ट डेट ही पूछ लेते हैं, तो डेट में आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक राज्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है बल्कि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर राज्य है वो आपको देखने को मिलेगा, इतना बड़ा चेंजेस। और साथ में अभी वर्तमान में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसकी डेट भी आपको याद रखनी। तो 1972 में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे इनके मैप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया आपको देखने को मिलेगा, एक नए राज्य मणिपुर की स्थापना हुई जो भारतीय संघ का 19वां राज्य बना, और 20वां भारतीय संघ का राज्य त्रिपुरा बना, और मेघालय आपको देखने को मिलेगा जो आपको भारतीय संघ का 21वां राज्य बना। लेकिन मेघालय के साथ एक विशेषता थी काफी इंपॉर्टेंट है, ये उपराज्य के रूप में जाना जाता था, इसका शासन पहले उपराज्य के रूप में किया जाता था, फिर 22वां संविधान संशोधन किया गया जिसके द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि पहले 1972 में आप लोग देखेंगे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, बाद में आप देखेंगे 22वां संविधान संशोधन हुआ तब मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
तो ये किसका उपराज्य था? आप लोग देखेंगे असम के उपराज्य के रूप में मेघालय को जाना जाता था। तो आपको ध्यान रखना है मेघालय किसके उपराज्य के रूप में जाना जाता था, तो आपको ध्यान रखना है किसके, असम के। ओके, तो असम के नीचे आपको एकदम मेघालय देखने को मिलेगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। साथ में आप देखेंगे असम से दो यूनियन टेरिटरी को निकाला गया, देखिए कौन कौन सी। नंबर एक आपको मिजोरम देखने को मिलेगा, दूसरा आपको अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और साथ में आपको नीचे देखने को मिलेगा मिजोरम। ओके, आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। ये दोनों क्या थी? यूनियन टेरिटरी थी। इनको 1972 में पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, बल्कि इनको यहाँ का शासन किस तरह से किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यहाँ पर शासन किया जाने लगा। बाद में इन्हें भी बाद में स्टेट बना दिया गया। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिक्किम। अब देखिए इस सिक्किम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, अभी भारतीय संघ का पहले जो हिस्सा नहीं था। ओके, 1947 में भारत के साथ ये भी आजाद हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने भारत के साथ एक ट्रीटी की थी। तो इस जो भारत था, इसके विदेश मामले और कुछ मामले जैसे संसार संचार के मामले, सुरक्षा के मामले थे, वो देखता था, एक तरह से उसकी रक्षा करता था। ओके, और ये इसके अंडर में, लेकिन भारत के अंडर में एक तरह से नहीं था, बल्कि कुछ मुद्दे थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित। ओके, तो ये सारी चीजें किसके अंडर में थी? भारत के अंडर में थी। तो आप देखेंगे सिक्किम में चोग्याल वंश का यहाँ पर शासन आपको देखने को मिलेगा, और 35वां संविधान संशोधन 1974 किया गया, और इसके द्वारा इसे सिक्किम को एक संबद्ध राज्य बनाया गया। संबद्धता की जो डेफिनेशन थी उससे संबंधित कुछ प्रावधान थे, इसी के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के द्वारा आप देखेंगे 35वां संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे आर्टिकल 2 का ऐड किया गया। क्या जोड़ा गया? 2 का आर्टिकल जोड़ा गया। साथ में 10वीं अनुसूची थी उसमें भी परिवर्तन किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे संविधान में संविधता से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान में इस विशेषताओं को बताने के लिए एक आर्टिकल और एक अनुसूची में हमें परिवर्तन करना पड़ा। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन कर दिया, और इसके द्वारा क्या किया गया? संविधता मतलब इसमें किया गया कि जो विदेश मामले थे इंपॉर्टेंट, जैसे संचार का मामला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मामला, एक इसके अंडर में था, भारत के अंडर में था। और इसके अलावा जितने भी मामले थे वो आपको देखने को मिलेंगे, वो सिक्किम के पास ही थे, लेकिन ऐसा कर दिया गया। भारत ने सोचा चलो ठीक है ऐसा कर देते हैं, और हमारे ऊपर बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी उस टाइम चल रहा था, तो हम डायरेक्ट किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अपने यहाँ नहीं मिला रहे थे। वरना कहा जाता कि भारत है वो एक उपनिवेश था, एक शोषण राज्य था। अब जब उसके पास पावर आ गई है, तो वो भी क्या, एक विस्तारवादी एक राज्य हो गया, साम्राज्यवादी देश हो गया है। ओके, वो और देशों को अपने अंदर मिलाता जा रहा है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट नहीं मिलाया गया था, और इसे एक बफर जोन के रूप में इंडिया रखना चाहता था। ओके, तो इसीलिए ऐसा किया गया था। लेकिन यहाँ की जो जनता थी उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? जो यहाँ का चोग्याल शासन, जो चोग्याल वंश था ना, वो यहाँ के लोगों की, यहाँ की जनता का जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो उनकी जो उन्होंने नीड्स थी ना, वो फुलफिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जनमत संग्रह किया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है लोगों के द्वारा मत डलवाया गया। ओके, तो लोगों ने मत दिया कि हमें चोग्याल जो शासन यहाँ पर चल रहा है उसका शासन नहीं चाहिए, और उसका शासन खत्म कर दिया गया। जब उसका शासन खत्म हो गया, तब यहाँ पर आप लोग देखेंगे 36वां संविधान संशोधन किया गया, और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस तरह ये भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा 35वां संविधान संशोधन था, इसको समाप्त कर दिया गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देखेंगे आर्टिकल 2 का है इसको जोड़ा गया, और साथ में 10वीं अनुसूची में एक संशोधन किया गया था। क्यों किया गया था? तो संविधता से संबंधित जो डेफिनेशन थी, प्रावधान थे, वो करने थे, तो अब उसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसको हटा दिया गया। और साथ में आप देखेंगे आर्टिकल 35 का 4 एक नया जोड़ा गया। तो जो सिक्किम है आपको ध्यान रखना है, भारतीय संघ का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर। अब देखिए यहाँ पर मिजोरम। ओके, 1983 में आप लोगों को देखने को मिलेगा मिजोरम। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1972 में मिजोरम क्या था? यूनियन टेरिटरी था ना, और साथ में अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में, जिसे असम से अलग करके बनाया गया। आप लोग देखेंगे ये भी क्या था? एक यूनियन टेरिटरी था ना। अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ओके, और साथ में गोवा को भी मैंने वहां पर बताया था कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, ये भी पहले क्या था? यूनियन टेरिटरी था, जब ये पुर्तगालियों के अंडर से इसको आजाद किया गया था। ओके,
तब ये पूरा इसको राज्य नहीं बनाया गया था। तो इन तीनों को, तीन यूनियन टेरिटरी थी जिन्हें राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। तो आपको देखने को मिलेगा भारतीय संघ का 23वां राज्य मिजोरम बना, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश था वो 22वां भारतीय संघ का राज्य बना, और गोवा है वो 25वां बना। ओके, और 25वां राज्य बना और इसे दमन द्वीप था उससे इसे अलग कर दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, दमन द्वीप से इसको अलग कर दिया गया। और साथ में आप देखिए जो मिजोरम राज्य है ना, इसका गठन किया गया था, तो आपको देखना है 1987 में, काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन गवर्नमेंट है मतलब भारत सरकार है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा मिजोरम नेशनल फ्रंट है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, और इन दोनों के बीच में समझौता हो करके नए राज्य मिजोरम का गठन हुआ था। ओके, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ही वामपंथी आंदोलन था, मतलब एक तरह से नक्सलाइट लोग थे, लेकिन इनसे समझौता करके इन्हें एक जो इनकी मांग थी उसको पूरा कर दिया गया। तो इन्होंने अपना आंदोलन छोड़ दिया और गवर्नमेंट के साथ सहमति करके अपने विकास के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ की ये समस्या दूर हो गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप लोग देखेंगे 2000 में काफी बड़ा परिवर्तन आया। देखिए 2000 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य का गठन किया गया छत्तीसगढ़, तो ये भारतीय संघ का 26वां राज्य बना। ओके, इसी तरह उत्तर प्रदेश से 2000 में आप लोग देखेंगे, सन 2000 में आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश से अलग करके एक उत्तराखंड राज्य की, नए राज्य की स्थापना की गई, ये 27वां भारतीय संघ का राज्य बना। इसी तरह आप लोग बिहार से आप लोग देखेंगे झारखंड। अब देखिए ये आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ 26वें नंबर पे, 27वें नंबर पे, 28वें नंबर पे, बल्कि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, या फिर उत्तर प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, या फिर बिहार से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना। तो आपको क्रम ध्यान रखना है, मतलब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, उत्तर प्रदेश से आप लोग देखेंगे उत्तराखंड बना है, और बिहार से आप लोग देखेंगे झारखंड बना है। तो ये आपको सीक्वेंस है, किससे कौन सा राज्य बना ये आपको नहीं बोलना है, भले ही आप लोग ये जो फैक्ट है ना ये आप भूल जाते हैं तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि किससे क्या बना है। तो बिहार से क्या बना है आप लोग देखेंगे झारखंड बना है, उत्तर प्रदेश से आप लोग देखेंगे कि उत्तराखंड बना है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है। तो आप लोग यहाँ पर ये मैप भी देख सकते हैं। ओके, तो उत्तराखंड आपको ऊपर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2014 में आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलुगु भाषी क्षेत्र था जिसको अलग करके तेलंगाना बनाया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले भाषाई आधार पर जिस राज्य का गठन किया गया था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, मैंने आपको बताया था क्यों और कौन सी समिति के बाद इसका गठन किया गया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो वो तीन इंपॉर्टेंट लोग थे, तो उसी समिति का जब उन्होंने रिपोर्ट दी थी बाद में वहां पर अनशन कर दिया था, तो अनशन करने की वजह से एक राज्य का गठन करना पड़ा था, तो जिसे आंध्र प्रदेश के नाम से आप जानते होंगे। इसीलिए भाषा के आधार पर जिस राज्य का भारत में पहली बार गठन किया गया वो आंध्र प्रदेश था। फिर भी देखिए इसमें एक फिर से आप देख रहे हैं राज्यों के अंदर भी राज्य निकलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाषाई विविधता बहुत अधिक है। अगर हम सिर्फ भाषाओं के आधार पर गठन करने लगे तो आप लोग देखेंगे 2500 से 3000 हमारे यहाँ अलग अलग छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर तेलंगाना आपको देखने को मिलेगा भारतीय संघ का 29वां राज्य बना। साथ में आप लोग यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर। ओके, जम्मू कश्मीर आप लोग देखेंगे हाल ही में, कौन नहीं जानता जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जम्मू कश्मीर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। ओके, तो पूर्वी आपको देखने को मिलेगा जो पूर्व का क्षेत्र है उसे जम्मू कश्मीर बना दिया गया, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कारगिल से लेह तक का क्षेत्र है इसको लद्दाख के रूप में बना दिया गया, और ये दोनों क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरी है। ओके, और मैंने आपको बताया ही था जम्मू कश्मीर के बारे में, स्टोरी आपको कल सुनाई थी तो आप लोगों को याद होगी काफी अच्छे से। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। ओके, एक मिनट, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर गया। अब देखिए सॉरी, देखिए मेरा कंप्यूटर यहाँ पर हैंग कर गया, इसलिए मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ।